Thank you.
अदा करता हूँ, मुझे ये मौका आप लोगों ने दिया है और मैंने भी इस लिहाज से कि मुझे सूफीवाद के बारे में कुछ और समझ में आ जाए तो कुछ पढ़ने की कोशिश की और कुछ आपसे शेयर कर सकूँ, ये मैंने अपने हिसाब से कोशिश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले ही अदा करना चाहता हूँ और कुछ बातें सूफीज़म के हवाले से आपके साथ साझा करूँगा। पहली बात, मुझे ये लगता है कि और हम सब लोग जानते हैं कि धर्मों की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में
सूफीज़म का एक अपना अलग मुकाम है और बहुत बड़ा मुकाम है। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि हर धर्म, हर मुल्क, हर समाज, हर फिरका किसी न किसी हवाले से सूफीज़म से मुतासर है, सूफीज़म से असरअंदाज है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। और फिर सूफीज़म क्या है, उसको कैसे परिभाषित किया जाए, कैसे उसका उसके ऊपर बात की जाए, तो मैंने अपने लिहाज से आम आदमी के हवाले से कोशिश कर की है। मुझे ऐसा लगता है कि पाक परवरदिगार को मिलने के लिए मोहब्बत और इश्क की राह पर चलना सूफीवाद है, उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मोहब्बत की राह पर चलना सूफीवाद है। अक्ल द्वारा दिए गए जख्मों को, अक्ल द्वारा दिए गए जख्मों पर इश्क की मरहम लगाना, मुझे लगता है कि ये सूफीज़म, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो कहा जा सकता है। मोहब्बत और मिठास की राह जो है वो सूफीज़म की राह है। बाबा फरीद एक जगह कहते हैं, शक्कर, खंड, निवात, गुड़, माख्यो, माझा, दूध, मिठास की कितनी किस्में हैं, शक्कर, खंड, निवात, गुड़, माख्यो, माझा, दूध, सब वस्तु मिठियाँ, रब न पूजन तुद, पर तेरे जैसा मीठा कोई भी नहीं। सब कुछ मीठा है पर अल्लाह से ज़्यादा मिठास किसी और में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत और मिठास की राह जो है वो सूफियों की राह है। फिर हम सब लोग जानते हैं, वहदत की बात हो, तौहीद की बात हो, ये बुनियादी सिद्धांत हैं सूफीज़म के हवाले से। वहदतुल वजूद की के फलसफे पर विश्वास करता है सूफीवाद, उस पर मुनसर है, ये हम सब लोग जानते हैं। फिर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में खुदा का वजूद मौजूद है, ये सूफीज़म का की बुनियाद है। दूसरा हिस्सा मुझे ये लगता है कि सूफीज़म एक ख़ास किस्म की तर्ज ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है। जब मैं सूफीज़म को दूसरे हवाले से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ख़ास किस्म की तर्ज ज़िंदगी का मुद्दई है सूफीवाद। और दुनिया में रहते हुए जाति और जमाती किरदार किस तरह का हो, इसकी वजाहत करता है सूफीवाद, अपने ढंग से उसकी वजाहत करता है। तर्ज ज़िंदगी कैसी हो, उसकी वजाहत एक ख़ास हवाले से सूफीज़म करता है। और मुझे एक बात बहुत मुतासर करती है आज के हवाले से कि सूफीज़म जो है वो विभिन्नता, प्लूरलिटी, डाइवर्सिटी की वकालत करता है। बार बार मैं सूफियों के बारे में पढ़ता हूँ तो जो मुल्क की, दुनिया की जो विभिन्नता है, प्लूरलिटी है, डाइवर्सिटी है, उसकी वकालत करता नज़र आता है सूफीज़म। मुझे एक शेर बहुत पसंद है, वो कहते हैं कि चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो मुझे लगता है कि ये जो प्लूरलिटी है, डाइवर्सिटी है, मैं तो ये मानता हूँ कि खुदा की देन है डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी। जो प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी के खिलाफ जाता है वो अल्लाह के खिलाफ जा रहा होता है, खुदा के खिलाफ जा रहा होता है, और उसको कायम रखना हमारा इंसानी फ़र्ज है, प्लूरलिटी को, डाइवर्सिटी को। और जो उसके खिलाफ जाता है, मैं समझता हूँ वो ये कह रहा है, तानाशाह है, वो गलत आदमी है, वो कुछ और करेगा और उसके नतीजे बहुत बुरे निकलने वाले हैं। पर सूफीज़म तो बार 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 वकालत करता है प्लूरलिटी की, डाइवर्सिटी की। इंसानी कदरों कीमतों पर पहरा देने की तरबियत देता है सूफीज़म। जब मैं सूफीज़म का कलाम पढ़ता हूँ या शायरी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो इंसानी कदरों कीमतों पर पहरा देने की तरबियत दे रहा होता है कि आप। सूफीज़म ना रस्म है ना इल्म है, सरासर अखलाक है। मुझे लगता है कि उसमें रस्म और इल्म की बात से ज़्यादा
अखलाक की बात पर जोर दिया गया है। अखलाक पसंदी मेरे हवाले से सूफीज़म है, सूफीवाद है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है कि तीन आदतें जिसमें हों वो अल्लाह का वली और सच्चा सूफी है। पहली आदत दरिया जैसी शखावत, दूसरी आदत सूरज जैसी शफकत, और तीसरी आदत जमीन जैसी खाक सारी। जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं मेरे हवाले से वो सूफी है। और मुझे ये परिभाषा ये लगता है कि बहुत 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 रेलेवेंट है। एक बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है, वो कहता है, सूफीज़म इज मिस्टिक पोइट्री ऑफ लव, डायलॉग, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्टिंग अदरनेस ऑफ अदर्स। जो अदरनेस ऑफ अदर्स की पोइट्री है वो सूफीवाद की पोइट्री है, वो सूफीवाद है। बहुत मुश्किल होता है कि अदर्स की अदरनेस को रिस्पेक्ट देना। मैं कई बार कहता हूँ कि तीन चीज़ें हैं, एक्सेप्टिंग दी आइडेंटिटी ऑफ अदर्स, इट इज़ नॉट एनफ। रिस्पेक्टिंग दी आइडेंटिटी ऑफ अदर्स इज ओके बट नॉट एनफ। तीसरी बात, प्रोटेक्टिंग दी आइडेंटिटी ऑफ अदर्स, तब हम सूफी हो जाते हैं, तब हम सच्चे इंसान, सही इंसान हो जाते हैं। इफ़ वी एक्सेप्ट दी आइडेंटिटी ऑफ अदर्स, देन वी रिस्पेक्ट दी आइडेंटिटी ऑफ अदर्स, एंड देन वी प्रोटेक्ट दी आइडेंटिटी ऑफ अदर्स। अगर ये तीन बातें हमारे में आ जाएँ तो मुझे लगता है इट कन्वेज द मैसेज ऑफ प्लूरलिस्टिक डायलॉग, ट्रांस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। और बहुत खूबसूरत लिखा है इस विद्वान ने, ये कहता है, वन कैन बी ए मुस्लिम, हिंदू, सिख एंड क्रिश्चियन एंड ज्यू, यट बी ए सूफी टू। हिंदू होते हुए, मुसलमान होते हुए, सिख होते हुए, क्रिश्चियन होते हुए भी एक आदमी सूफी हो सकता है। ये सूफीज़म की सबसे बड़ी अलामत है, उसकी सबसे बड़ी खासियत है। सूफी हमेशा सजदे में रहता है, ये भी एक खासियत है सूफी की, हमेशा सजदे में रहता है। पर उसका सजदा दिखावे का नहीं होता। हम सब सजदा करते हैं पर उस सजदे में दिखावा होता है। बहुत से लोग देखते हैं आसपास कि मेरा सजदा कोई देख भी रहा है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि सूफी का जो सजदा है वो दिखावे का नहीं होता। उसके सजदे में वजद होता है, खुदा के प्यार में, खुदा की याद में बेखुद हो जाना, मस्त हो जाना, वजद में आ जाना होता है। और सूफी के सजदे में वजद होता है। सूफी मानते हैं कि जिस सजदे में वजद नहीं है वो सजदा नहीं। मुझे इकबाल का एक शेर बहुत अच्छा लगता है, उसने कहा था, जो मैं सर व सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नवाज में। एक और शेर बहुत अच्छा लगता है इस हवाले से मुझे, कहते हैं कि सर हो सजदे में, दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला कैसे खुदा राजी हो। दिल में तो कुछ और है और झुके हुए हम अल्लाह के सामने हैं तो बात बनने वाली नहीं। फिर दूसरी बात मुझे लगता है जो सजदा है उसके साथ जुड़ी हुई ये है कि वजद के साथ साथ वफादारी जो है वो भी सजदे के साथ जुड़ी हुई है। वफादारी के बिना सच्चा सजदा नहीं हो सकता। गालिब के एक शेर मुझे बहुत मुतासर करता है, गालिब साहब का एक शेर सचमुच बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं, वफादारी बशर्ते उस्तवारी, असल ईमान है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत तशबीह नहीं दी जा सकती जो गालिब साहब वफादारी के हवाले से, सजदे के हवाले से बोल रहे हैं। सूफी अमली जिंदगी की बात करते हैं, अमली जिंदगी की, और दोहरा किरदार सूफी को बिल्कुल पसंद नहीं। दोहरे किरदार वाले, जिसकी कथनी और करनी में फ़र्क हो, वो सूफी नहीं हो सकता। इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना ली शब भर में, इमां की हरारत वालों ने,
मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी हो न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। सूफी जो है वो कथनी और करनी के भेद में जो है उस एक और जगह इकबाल का बहुत खूबसूरत शेर है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये जो सूफीज़म की सबसे बड़ी बात है कि अमली जिंदगी को तरजीह देना और दूसरा दोहरे किरदार को पसंद ना करना, ये सूफीज़म की एक बहुत बड़ी। जब सूफीज़म की बात चलती है तो मुझे सबसे पहले राबिया बसरी की याद आती है, आठवीं शताब्दी की। कहते हैं एक दिन, ये मैंने तर्जुमा किया है अपने हिसाब से पंजाबी में, और पंजाबी को उर्दू में हिंदी में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे पता लगा है, समझ में आया है। कहते हैं एक दिन राबिया बसरी एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी लेकर बसरा की गलियों में दौड़ती फिर रही थी। जब लोगों ने पूछा क्या कर रही हो, उसने कहा कि वह पानी से नरक की आग बुझाना चाहती है और आग से जन्नत को जला देना चाहती है। इन्होंने अल्लाह के मिलने का रास्ता रोका हुआ है। उसका कहना था कि मैं सजा के डर से या किसी इनाम के लालच में इबादत नहीं करना चाहती, सिर्फ अल्लाह के प्यार में उसकी इबादत करना चाहती हूँ। राबिया बसरी की प्रार्थना है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कह रही हैं कि हे अल्लाह, अगर मैं नरक के डर से तुझे याद करूं तो मुझे नरक की आग में जला देना, अगर मैं जन्नत की इच्छा से तेरी इबादत करूं तो मुझे धक्के मार के जन्नत से निकाल देना, पर अगर मैं अपने आप के लिए अपनी इच्छा से तेरी इबादत करूं तो मुझे अपने सदा बहार आनंद और सौंदर्य से दूर ना करना, अगर मैं अपने आप तेरी इबादत करूं, अगर मैं स्वर्ग की इच्छा रख कर और नरक से डर कर तेरी इबादत कर रही हूं तो ये इबादत नहीं है। मुझे ईरान के शेख सादी साहब का जो कुछ उन्होंने लिखा है और हमारी यूनिवर्सिटी ने उसको पंजाबी में छापा है और बहुत खूबसूरत उनकी इबारतें हैं, एक इबारत मेरे मन के बहुत करीब है और वो पंजाबी में मुझे अवेलेबल है अपनी यूनिवर्सिटी में, मैंने उसको उर्दू में हिंदी में हिंदुस्तानी में करने की कोशिश की है। शेख सादी कहते हैं कि मैं परमात्मा का धन्यवाद उसकी शान के मुताबिक एक लम्हे के लिए भी नहीं कर सकता, ये सूफीज़म है मुझे लग रहा है, मैं परमात्मा का धन्यवाद उसकी शान के मुताबिक एक लम्हे के लिए भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं उसके रुतबे के मुताबिक धन्यवाद कैसे करूं, उसके उपकारों का धन्यवाद करने की ताकत किसके पास है। हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन सी बढ़ाइयाँ उसकी शान को बयां कर सकती हैं। ये इबारत बहुत बढ़िया है, मेरी ट्रांसलेशन कमज़ोर हो सकती है। हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन सी बढ़ाइयाँ उसकी शान को बयां कर सकती हैं। देखो एक उंगली कितने जोड़ों से परमात्मा ने बड़े हिसाब से जोड़ी है, ये बेवकूफ़ी और पागलपन होगा कि तू उसकी कारीगरी ना समझे और उसकी तारीफ ना करे। ध्यान से देख आदमी को चलने के लिए कितनी हड्डियों में पट्ठे लगा के जोड़े हैं, क्योंकि घुटने टखने जांग पैर घुमाने के बिना आदमी एक जगह से एक कदम भी नहीं हिल सकता। फिर देख आदमी की पीठ में एक लंबी हड्डी नहीं है आदमी की पीठ में, छोटे छोटे मणके हैं। ये इसलिए हैं कि उसको परमात्मा के आगे सजदा करने में कठिनाई ना हो। हड्डी सीधी नहीं है पीठ की और उसमें मणके हैं, वो इसलिए कि आदमी को सजदा करने में कठिनाई ना हो। 200 मणके मिलाए गए हैं तब तेरी मिट्टी का पुतला बना है,
फिर सिर में देखने सोचने की और बारीक बौद्धिक शक्ति भी दी है। एक बात और, जानवर का सिर नीचे, जानवर सिर नीचे किए हुए दीन है, जानवर सिर नीचे किए हुए दीन है, तो बड़े रुतबे से भोजन को सिर के आगे लाता है, तू सीधा पैरों पर खड़ा है, खाने के लिए जानवर का सिर नीचे कर दिया है, तू बड़े रुतबे से भोजन को सिर के आगे लाता है, इस सरदारी के होते हुए शोभा नहीं देता कि तू परमात्मा को सजदा ना करे। ये मुझे लगता है कि सूफीवाद का ये मंजर जो है शेख सादी बयां करते हैं। शेख सादी की बहुत सी और चीज़ें हैं जो मैं अगर बोलना शुरू करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक जगह वो लिखते हैं, बहुत छोटे छोटे पीस उनके पढ़ने वाले हैं, एक सत्यवादी ने सपने में देखा कि बादशाह स्वर्ग में है और धर्मात्मा नर्क में है। उसने पूछा, पहले को ऊंचा हो जाने और दूसरे के घट जाने का कारण क्या है? क्योंकि लोग तो इसके उल्ट राय रखते हैं। आवाज आई, बादशाह धर्मात्मा लोगों पर विश्वास रखने के कारण स्वर्ग में है और धर्मात्मा बादशाहों से मित्रता करने के एवज में नरक में बैठा हुआ है। जो धर्मी आदमी है, एक और बहुत खूबसूरत सूफी अंदाज में शेख सादी कहते हैं, मैंने एक फिलासफर को कहते सुना था कि कभी किसी ने अपने मुंह से अपनी अज्ञानता को नहीं माना, किसी भी आदमी ने दुनिया में ये नहीं माना कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं, सिवाय उस आदमी के, ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, थोड़ी रमज वाली बातें हैं, सिवाय उस आदमी के जो जब कोई दूसरा बात कर रहा हो और उसने अपनी बात खत्म भी ना की हो, बीच में अपनी बात शुरू कर दे। हे बुद्धिमान, बात का आद और अंत होता है, तू किसी की बात के बीच अपनी बात ना छेड़। बुद्धिमान और सूझबूझ वाला बंदा अपनी बात शुरू ही नहीं करता जब तक वह दूसरे को चुप हो गया नहीं देखता। शेख सादी का सूफीज्म जो है वो मुझे इस किस्म का लगता है। सूफीवाद का पंजाब कनेक्शन क्या है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पंजाब के साथ सूफीवाद का गहरा रिश्ता है। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान सूफीवाद की लहर से मुतासर है, पर पंजाब के साथ सूफियों की नज़दीकियाँ जग जाहिर हैं। हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं तो सूफीवाद का जो पंजाब कनेक्शन है उसमें गुरु नानक एक बहुत बड़ी कड़ी है, और हमारी जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स और जो ट्रेडिशनल राइटिंग्स हैं उसमें इसका जिक्र बहुत ज़्यादा है और बहुत ऑथेंटिक तरीके से हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हमको मिल जाते हैं। गुरु नानक अपनी यात्राओं के दौरान दो बार पाकपटन गए थे और उस स्थान पर गए थे जहां बाबा शेख फरीद की याद में यादगारी दरगाह जो है वो बनी हुई है, और उनकी मुलाकात उस वक्त के गद्दी नशीन शेख इब्राहिम से हुई थी। शेख इब्राहिम बाबा फरीद के 12वें जानशीन थे। इतिहास गवाह है कि शेख इब्राहिम गुरु नानक के साथ हुई बातचीत से बहुत मुतासर था, और जो हमारी जन्म साखियाँ हैं वो ये बताती हैं कि गुरु नानक पाकपतन जो नगर है उसके बाहर बैठे हुए थे, और उनका एक साथी जो है हम सब जानते हैं, भाई मर्दाना, एक मुसलमान साथी, सारी ज़िंदगी गुरु नानक साहब के राह रबाब बजाता था, उसने रबाब छेड़ी और गुरु नानक गाने लगे, आपे पट्टी कलम आप ऊपर लेख भी तू, एको कही है नानका, एको कही है नानका, दूजा काहे को, कोई होर है ही नहीं, सिर्फ एक ही एक है। जब शेख कमाल जो शेख इब्राहिम का सेकंड इन कमान था, उसने सुना कि कोई फकीर है हिंदुस्तान से आया है और रबाब बज रही है और वो गा ये रहा है कि एको कही है नानका दूजा काहे को, एक ही है, एक ही है, वहदत की बात कर रहा है, तो वो भागता हुआ शेख इब्राहिम के पास गया कि एक फकीर है जो बाहर बैठा हुआ है और ये गा रहा है, तो आया हिंदुस्तान से है, तो उसने कहा हो नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में वहदत की बात जो है वो नहीं इतनी। लेकिन फिर वो गुरु नानक को लेकर शेख इब्राहिम के यहाँ चले गए
और बहुत दिन गुरु नानक साहब पाक पतन बाबा फरीद की उस दरगाह में रहे और उस संवाद में जो संवाद शेख इब्राहिम और गुरु नानक के बीच हुआ था उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत मुतासर हुआ शेख इब्राहिम और हमारी जन्म साखियाँ तो कहते हैं कि एक किस्म से वो पैरोकार बन गया गुरु नानक का। और फिर खुश होकर जितना कलाम उसके पास गुरु नानक का था वो सारा कलाम शेख फरीद का था वो सारा कलाम गुरु नानक को सौंप दिया। और यही कलाम जो है बाद में गुरु ग्रंथ साहब में पांचवें गुरु ने उसको संपादित कर दिया, संकलित कर दिया। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो पाक पटन की गुरु नानक की फेरी है, दो बार गुरु नानक वहाँ गए हैं, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि गुरु नानक साहब और पंजाब के लोग सूफी संत शेख बाबा फरीद का कितना एहतराम करते हैं। दो बार गुरु नानक पाक पतन गए तो इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एहतराम था गुरु नानक के मन में शेख बाबा फरीद का। और फिर 130 श्लोक हैं बाबा फरीद के और उनका जो टाइटल है वो है श्लोक शेख फरीद के, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है 130 श्लोक। उसके अलावा भी थोड़ी बानी है पर 130 श्लोक हैं। पर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, 130 श्लोक जिनका टाइटल, जिनका शीर्षक, जिनका सिरलेख श्लोक शेख फरीद के है, उसमें 112 शेख फरीद के श्लोक हैं, दोहे हैं, और 18 श्लोक जो है वो गुरुओं के हैं, गुरु नानक के श्लोक हैं उसमें, गुरु अमरदास तीसरे गुरु के श्लोक हैं, पांचवें गुरु के श्लोक हैं। और ये एक हकीकत है जो एक अलग एंगल से उसको समझने की जरूरत है कि 300 साल बाद गुरु नानक के पास श्लोक शेख फरीद हैं, लेकिन 300 साल बाद, क्योंकि 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में बाबा फरीद हैं और इधर 16वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में बाबा नानक हैं, 300 साल बाद जो कलाम बाबा फरीद का गुरु नानक के पास है उस कलाम के साथ संवाद हो रहा है, डायलॉग हो रहा है। ये मुझे लगता है कि किसी के संवाद के, किसी के राइटिंग के साथ, किसी के श्लोकों के साथ, किसी की रचना के साथ 300 सदियों बाद संवाद करना, डायलॉग करना, मुझे इसकी दूसरी एग्जांपल अभी तक तो नहीं मिली। हो सकता है कहीं ऐसी एग्जांपल हो, पर आप देखेंगे कि ये जो श्लोक हैं गुरु नानक के, 12 श्लोक गुरुओं के हैं और 18 श्लोक और 112 श्लोक जो है बाबा फरीद के हैं। आप जो श्लोक गुरु नानक के वहाँ दर्ज हैं उनका 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 जो मीटर है, जिस तरह की लिखत है, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है। और कई श्लोक तो फरीद से शुरू होते हैं पर वो हैं गुरुओं के। एक किस्म से संवाद हुआ है गुरु नानक ने जो 300 साल बाद बाबा फरीद के, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं आपको एक या दो उदाहरण सुनाना चाहता हूँ। बाबा फरीद का श्लोक है, पहले पैरे फुलड़ा है पंजाबी, ठेठ पंजाबी है, मुल्तान की पंजाबी है, पाक पतन की पंजाबी है। जो हमारे हाई कमिश्नर साहब पाकिस्तान वाले, उनके नुमाइंदा आए हैं, उनको शायद ये पंजाबी उतनी शिद्दत से आती हो। हम लोग I don't know.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.